वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को क्यों किया गिरफ्तार? चंडीगढ़ पुलिस ने धरना स्थल से किया गिरफ्तार। मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कर रहे थे भूख हड़ताल। उन्होंने कहा कि मंत्री के खिलाफ चार्जशीट से धारा क्यों हटाई गई है। प्रशासन मिलकर संदीप सिंह को बचाने में लगा हुआ है। सेक्टर 17 चंडीगढ़ के पुलिस थाने में इस वक्त मौजूद है और हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि लोकतांत्रिक तरीके से आरोपी मंत्री संदीप सिंह, जिसके खिलाफ अब चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो दुष्कर्म करने की कोशिश की जो धारा है वो हटा दी पुलिस ने, उसको लगाने की मांग कर रहे हैं। बाकायदा पुलिस को पहले रिटर्न इंटीमेशन देके दो दिन पहले, उसके बाद इनकी बताई हुई एक जगह पे कल इन्होंने बताई, इनका बंदा आके बता के गया, वहां बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। ये हमको वहां से गिरफ्तार करके सेक्टर 17 के थाने में ले आए हैं। जितने भी साथी धरना स्थल पे पहुंचे उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो सेक्टर 17 के थाने में आके अपनी गिरफ्तारी दें, क्योंकि जिस मुहिम के लिए पहुंचे हैं, जिस आंदोलन के लिए पहुंचे हैं, उस आंदोलन को लेकर के गिरफ्तारी देना बहुत जरूरी है। सेक्टर 17 के थाने में मौजूद हैं, यहां पे आके गिरफ्तारी दें। पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी नहीं ले तो शांतिपूर्ण तरीके से सेक्टर 17 थाने के सामने धरना दें। अपनी अपनी गिरफ्तारी दो इस मामले को लेकर, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है, महिला सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ मामला है, महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अत्याचार देखो साथियों, लोकतांत्रिक तरीके से इनसे पूछ के इनके लोगों ने रात को आके सीआईडी वालों ने यहाँ जगह दिखाई कि यहाँ कर लो जी, शांतिपूर्ण तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये अगर कहते सेक्टर 25 में कर लो हम वहां करते, क्योंकि ये सांकेतिक धरना है। आज हम कहीं कोई अफरा तफरी नहीं मचा रहे, सड़क के ऊपर प्रदर्शन नहीं कर रहे, सांकेतिक धरना देने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनके लोगों ने खुद यहाँ जगह दिखाई और अब सुबह सुबह अत्याचार देख लो। जिस संदीप सिंह के ऊपर छतरी लेके चलती है चंडीगढ़ पुलिस, जिस संदीप सिंह से इतना प्यार हो गया चंडीगढ़ पुलिस को, वो आम लोगों को कैसे धूप में बिठा रही है, आज वो अत्याचार देख लीजिए। यहाँ एक सिंपल सा टैंक लगाया हुआ था, उस टैंक को भी हटा दिया और डीएसपी साहब चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये सारे टैंक हटा दो, मरने दो धूप में इन लोगों को, यहाँ से उठाओ इन लोगों को। इतनी सारी पुलिस है, संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते डीएसपी साहब वहाँ जाके? पुलिस की सारी एकड़ी आम आदमी पे चलती है, चंडीगढ़ पुलिस की सारी एकड़ी जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उनके खिलाफ चलती है। इसलिए आज ये चेहरा भी बेनकाब हो गया। मैं तो पहले ये सोचता था चंडीगढ़ पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है, ये चार्जशीट दायर करने में इतनी देर कैसे हो गई? आज पता चला कि ऊपर कहीं कोई लिंक जुड़ा हुआ है, 8 महीने से इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अब हमने कहा इस पे प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, तो इन्होंने आनंद फानन में कल चार्जशीट फाइल कर दी। बर्खास्तगी के बिना मानेंगे नहीं, संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा। और अगर यहाँ मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ, चंडीगढ़ पुलिस के लोगों ने आके रात को ये जगह दिखाई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं। अगर यहाँ आसानी से प्यार से ईमानदारी से करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं, चंडीगढ़ पुलिस के हेडक्वार्टर पे करेंगे जी। 10 मिनट हमारे को देंगे? बिल्कुल देंगे।
देंगे सर। पहली बात तो मैं आपको बता दिया आपका धरना कैसे है जी, आपने तो सुनी नहीं, आप लोग पीछे फोन कर सारा कुछ सुनिए, मैं पीछे रही हूं। पीछे रही हो दूसरी बात पुलिस ने चार चीज आपको बता दिया, मैं आपको खबरें भी देती हूं बार में आपसे दायर कर और कोई काफी सपने आ गए आप लोगों का भी गिरफ्तार नहीं करते, गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सबको पता, आपको भी पता है इसमें जितने कमीशन के हिसाब से गिरफ्तार करना नहीं करना वो पूछता है, आपका भी अधिकार है, आप के खिलाफ भी कुछ होगा, आप भी कहेंगे मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, 3 साल की सजा इसमें तो 7 साल की है, ठीक है उनके खिलाफ 7 साल वाली धारा तो ड्रॉप कर दी सर आपने, 7 साल वाली धारा ड्रॉप कर दी आपके वकील है वहाँ पे भी लगवा सकते हैं कोर्ट में, तो आम आदमी के लिए तो कोर्ट ही है, वहाँ भी लड़के लगवा सकते हैं, वहाँ कौन सा खत्म तो नहीं होगा सारा कुछ, अभी चल ही रहा है, तो अभी मेरी बेनती है यहाँ से ये तो टाइम है ना 10-15 मिनट का आपने बैठना है तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज मैं परेड ग्राउंड सर हमने रिटर्न इंटीमेसी दिया हुआ है शाम को 6 बजे तक का, और आपके लोग आके चलो भी आओ इधर पीछे उधर परमिशन मिल रही है सर, रिटर्न सर हम रिटर्न में बस कुछ परमिशन लाओ ना, अब आपने अपनी सुना ली हमारी भी सुना लो, आपने अपनी मैं ये कह रहा हूँ हमने रिटर्न में बकायदा रिसीविंग ली हुई आपके यहाँ बता के परमिशन तो नहीं मिली, सुनो ना हमारे पास नो आया ना भी नहीं हुई, नहीं कोई ना भी नहीं हुई, नहीं हमने हमने अपनी तरफ से एक रिटर्न इंटीमेसी दे दिया आपने रिसीव कर लिया, ना कर देते नहीं देनी थी तो शाम को आप लोग आके खुद जगह दिखा के गए हैं, अब बता दिए ना है, मैं हम वीडियो रिलीज करेंगे शाम को आपके लोग आके सीआईडी के यहाँ जगह दिखा गए कि यहाँ कर लो दिन भर आराम से कर सकते हो, वीडियो रिलीज करेंगे, और अगर 25 कहते हम 25 करते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें तो शांतिपूर्ण बैठना है, ऐसा यहाँ बैठे ऐसा वहाँ बैठे, आप लोगों ने गुमराह किया, जो आप संदीप सिंह को तो बचा रहे हमें गुमराह कर रहे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना कर रहे हैं, बताओ जान को लगी हुई है सर, अलाउ नहीं है रिटर्न करो, ऐसे करो फिर चलो उठो रेस्ट आपने गिरफ्तारी दो, चलो बेटा उठाओ, चलो बेटा उठाओ, चलो चंडीगढ़ पुलिस मीडिया तो नहीं है ना, कितने मीडिया लाइन ऊपर चलो ऊपर चली जाओ ऊपर करो जूते ले आता हूँ, जूते ले जाए। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।